वाव, कितना सुंदर दिख रहा है। और ये सरसों दे के मैंने बनाया है, लेकिन मैंने ये बहुत टेस्ट बनाया था मैंने। और एक बार आप इसको बनाइए, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सबको रिंकू नवाल चैनल का स्वागत है। आज मैं एक नॉनवेज के आइटम बनाऊंगी, जो कि छोटा फिश, उसको हमारे उड़ीसा में बोलते हैं बांस पतली, उसका नाम है मछली का। और मैं उसको सरसों दे के बनाऊंगी, और यकीन मानिए बहुत टेस्ट लगेगा, एक बार ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मैं कैसे बना रही हूँ चलिए देखते हैं। मछली को मैं पहले अच्छे से साफ करके अच्छे से धो लिया है, और उसको हल्दी नमक डाल दिया है, हल्दी नमक डाल के मिला लिया है। अभी कढ़ाई बैठा दिया, तेल गर्म हो गया, मैं एक एक फिश लेके उस तेल में डाल रही हूँ और उसको फ्राई करना है। मछली एक साइड हो गया है, हम उसको पलट देंगे दूसरी तरफ को फ्राई करने के लिए। दोनों तरफ मछली फ्राई हो चुका है, हम उसको निकाल के प्लेट में रखेंगे। मसाला में मैंने लिया है, देखिए ये सरसों 2-3 चम्मच लिया है, 3 स्पून लिया है सरसों, और 1 चम्मच जीरा लिया है, उसको ग्राइंडर में पीसना है, और 1 प्याज काट के रखा है उसको डालना है, टमाटर 2 टमाटर काट के रखा है उसको डालना है, और थोड़ा सा लहसुन, उसको 4-5 लहसुन उसको डाल के पीसना है। गैस पे मैंने कढ़ाई बैठा दिया है, और उसमें सरसों का तेल डाला है, 2 स्पून तेल डाला है, उसमें थोड़ा सा जीरा, सरसों और एक सूखा मिर्ची उसको डाल के तड़का लगाना है। उसके बाद जो मैंने मसाला आपको दिखाया था ग्राइंडर में मैंने पीस लिया था सरसों, उसको डाल के उसको फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा हल्दी, 1 चम्मच हल्दी डालना है, और 2 चम्मच सॉल्ट डालना है, और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, चिली पाउडर उसमें डाल के हम उसको अच्छे से फ्राई करना है। मसाला अच्छे से, देखिए अच्छे से भून चुका है, हम इसी टाइम पे हम 1 ग्लास पानी दे देंगे मसाला में। ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ये हम सूखा सूखा करेंगे, ये मछली को फ्राई करना है तो इतना पानी ज़रूरी है। मैं इसमें 3 ग्रीन चिली उसको मैंने काट के डाल दिया, और 2 सूखा आम उसको मैंने डाला है, और उसके साथ उसको 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, जैसे उबाल आ जाएगा। ये देखिए उबाल आ गया है झोल में, तो उसी में हम जो फ्राई करके रखा था मछली को उसको डाल के थोड़ा 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए मछली, देखिए अच्छे से तरी में सॉफ्ट हो चुका है, और झोल भी कम हो गया है। मतलब इसी समय हम लोग धनिया पत्ता डाल देंगे और उसको मिला देंगे, मतलब हमारा मछली अभी रेडी है सर्व करने के लिए। इसी तरह सूखा सूखा बनती है छोटा फिश, और बहुत टेस्ट लगता है खाने में। अमन बताना है छोटा मछली कैसा है टेस्ट। टेस्टी है, फैंटास्टिक, ऑसम, अल्टीमेट।